सहावर जाणी मार्ग पर ग्राम जमालपुर के निकट एक अनियंत्रित बोलेरो कार ने कासगंज से अपने गांव गड़का जा रहे दो बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच बोलेरो कार को कब्जे में लिया, जबकि चालक फरार हो जाने में कामयाब हो गया। घटनाक्रम के अनुसार गुरुवार की रात्रि 7:30 बजे सहावर चाणी मार्ग पर बाइक से अपने गांव गढ़का लौट रहे 16 वर्षीय मुशाहिद पुत्र नौशाद व 22 वर्षीय उवैद पुत्र साबिर निवासी गढ़का थाना गंज ढूंढवारा को विद्युत विभाग की बोलेरो कार ने रौंद दिया, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। मेरे भाई हैं, इनका नाम मोहम्मद उबैद हाफिज शाह है और जो इनके साथ में था लड़का वो एक उसका नाम शायद है जो हमारे पास ही काम करता है जी। और जो हमारे भाई की एक्सीडेंट वो बिजली विभाग के अधिकारियों की गाड़ी से हुआ है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। बोलेरो कार को कब्जे में ले लिया, जबकि इसका चालक भाग जाने में कामयाब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन दोनों के शव को देखकर कोहराम मच गया। इनबीसी न्यूज के लिए कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट।